हेलो मेम्बर्स, मॉर्निंग में अपने माइक को हम ऑन करना भूल गए थे, जिस वजह से फर्स्ट पार्ट जो है वीडियो का, जब हम एंट्री ले रहे हैं, स्टॉप लॉस लगा रहे हैं या फिर जब हम प्राइस और वॉल्यूम्स को एनालाइज कर रहे हैं, उस वक्त की वॉइस रिकॉर्ड नहीं हुई, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की मूवमेंट्स रिकॉर्ड हो पाई थी। तो उसके लिए सॉरी कि आज के फर्स्ट पार्ट में आपको मेरी वॉइस समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जो भी एनालिसिस हम कर रहे हैं उस वक्त टेक्निकल इशूज़ की वजह से वॉइस हमारी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी। सो उसके लिए सॉरी, एंड सेकेंड पार्ट में हम आपको समझाते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट है जो भी इम्पॉर्टेंट है हम आपको वो दिखाएंगे, और इसी से आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मॉर्निंग से एचडीएफसी बैंक एचडीएफसी लिमिटेड के अंदर बने हुए हैं, और जब से एंट्री ली है, एंट्री ले लेने के बाद में ये स्टॉक देखिए इस रेंज तक आया है, बिल्कुल डाउन पर, जो ब्रेक अभी लोज जो ब्रेक हो रहे हैं यहाँ तक गिरा है, गिर जाने के बाद में पूरा साइडवेज, बट बने हुए थे, एक बार एंट्री ले ली है, उम्मीद थी कि नीचे की दिशा में गिरना चाहिए इसको, वॉल्यूम्स के और प्राइजेस के ब्रेकआउट हुए अपने लेवल्स पर तो हम बने हुए थे। अब जाकर के इसके अंदर थोड़े से ब्रेकआउट्स नज़र आ रहे हैं कि हो सकते हैं, अभी भी कन्फर्म नहीं है, मे भी हो सकता है कि साइडवेज भी पड़ा रहे हैं। तो बैठे हुए हैं अभी इस वक्त, एंट्रीज हमारी 2538 पर हैं, और प्रॉफिट जो इस वक्त का चल रहा है अपना 4000 कुछ के आसपास का प्रॉफिट अपना चल रहा है। ओके, इसको रिफ्रेश होने देते हैं। ठीक है, देखिए ओवरऑल जो गेम है पेशेंस का, अभी इतने में हम अगर निकल जाते हैं तो फिर ये मूव अगर हम कैच नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए एक बार जो आपने एनालिसिस कर लिया ना, उस एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा बिलीव करके और पोजिशन को होल्ड करिए। एक बार आपने मान लिया कि मेरा 50 रुपये का रिस्क है तो 50 रुपये जाने दीजिए, फिर मत लीजिए 50 रुपये। अगर आपको 50 रुपये से डर लग रहा है, आपको 20 रुपये का रिस्क लेना है, 20 रुपये का रिस्क ले लीजिए, फिर उस 20 रुपये को जाने दीजिए, बचाने की कोशिश मत करिए कि जा रहा 20 रुपये मेरे पूरे चले जाएंगे, 15 रुपये का चलो निकल जाते हैं, ये सब नहीं करना है। होल्ड करिए, अगर आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी 25 रुपये की तो 20 रुपये का लीजिए, लेकिन पूरी तरह से उसको होल्ड करिए। फिलहाल होल्ड किए हुए इस वक्त हम पोजीशन यहाँ पर 5000 के आसपास का प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं लास्ट टाइम होते होते क्या हमको यहाँ पर प्रॉफिट शो करती है मार्केट। HDFC पूरी तरह से साइडवेज है, कोई बड़ा मूव नहीं, कोई सेटिस्फाइंग मूव नहीं। अगर हम आज का लो मार्क कर लेते हैं, ये मेरा स्विंग लो था डे का, प्राइस ने देखिए उसी रेंज पर आ जाने के बाद में फिर से अपसाइड की मूव्स दिखा दी और साइडवेज, स्टिल HDFC पूरी तरह से साइडवेज है। इस वक्त का जो अपना प्रॉफिट चल रहा है पोजीशन बुक्स 2000 रुपीज़ के लगभग का प्रॉफिट चल रहा है, अभी लास्ट टाइम जब प्राइस हमारा डाउन साइड की तरफ आया था तो 4500 प्लस का प्रॉफिट था हमारा, अभी वापस प्राइस अपसाइड की तरफ चला गया। अब क्योंकि रेंजेस स्ट्रॉन्ग हैं, प्राइस का वापस से अपसाइड की तरफ जाना थोड़ा सा मुश्किल है, जिस वजह से हमने इसको होल्ड करके अभी तक रखा हुआ है, बट अब टाइम ख़त्म हो रहा है। इस वक्त का जो अपना करेंट टाइम चल रहा है 3:05 बचे हुए हैं, 256 हो रहा है, सो ओवरऑल अपना टाइम पीरियड ये है, एंड प्रॉफिट्स कम ही होते चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, अभी जितना भी हम उतना बुक करके मार्केट से चुपचाप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। प्राइजेस मेरे अपसाइड की तरफ जा रहे हैं, और आप निफ्टी की मूव्स देखोगे तो निफ्टी ने भी देखिए अपने हाईज़ को ब्रेक किया है, ये जो डे हाईज हैं इनको ब्रेक कर दिया अपसाइड की तरफ, अभी पूरी तरह से मार्केट में अब क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा है और हमें बाहर भी निकलना है, परफेक्ट। तो अब हम यहाँ से अपनी पोजीशंस बुक करेंगे और यहाँ से एग्जिट होने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ऑर्डर बुक, जो अपना स्टॉप लॉस है इसको करते हैं कैंसिल। कैंसिल कर देने के बाद में
पोजीशन बुक। अभी यहाँ से हमें पोजीशंस अपनी स्क्वायर ऑफ करनी, भी प्राइस देखना होगा। तो प्राइस हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, 2533। चल लीजिए, सारी क्वांटिटीज निकल गई, वाह। आज का हमारा प्रॉफिट 1980 रुपीज़ एंड 50 पैसे का है। स्टॉप लॉसेस वगैरह जो अपने लगाए थे, जितने भी ऑर्डर्स थे, सारे के सारे एग्जीक्यूटेड हैं। 285 285 285। एक बार पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। सो टोटल देखिए, क्वांटिटीज़ अपनी एक भी क्वांटिटीज़ बची रही हैं। बाइंग के जो ऑर्डर्स थे वो भी सब निकल चुके हैं। प्राइजेस में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, 2533 और 2531.88 पर ही प्राइस हमारा निकल चुका। ओके, तो आज का ये ट्रेडिंग सेशन हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं कहेंगे, और टोटल जो अपना आज का प्रॉफिट है 1900 रुपीज़ के आसपास का। अब मार्केट साइडवेज, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप देख सकते हो प्राइस हमारा कितनी स्पीड से अपसाइड की तरफ जा रहा है। निफ्टी देखिए कितनी स्पीड से अपसाइड की तरफ जा रही है। आप रिलायंस की मूवमेंट देख लीजिए, कितनी स्पीड से अपसाइड की तरफ जा रहा है ये रिलायंस। रिलायंस की भी बहुत इंपॉर्टेंट रेंज थी, हमको नहीं लग रहा था कि प्राइस इस रेंज को आज ब्रेक करके अपसाइड की तरफ चला जाएगा। मॉर्निंग में भी ये जो स्टॉक हमने दिया था, मेरा भी उसके अंदर शॉर्ट सेलिंग का ही था, कन्फर्मेशन नहीं मिली इसलिए हमने इसको ट्रेड नहीं किया था। बट देखिए उसी रेंज को ब्रेक करके अपसाइड, और मॉर्निंग में रिलायंस भी जिस रेंज पर गिरा था ना, पूरे दिन साइडवेज ही है। बहुत से लोगों के स्टॉप लॉसेज गए होंगे आज के दिन। तो इसीलिए हम बार बार बोलते हैं कि कन्फर्मेशन और पूरी स्टडी के बाद ही कोई ट्रेड अपना एग्जीक्यूट कीजिए। चलिए कोई बात नहीं, आज हम प्राइस स्टॉप लॉस सेफ है और थोड़ा बहुत कुछ हम प्रॉफिट लेकर के निकल रहे हैं। इसमें से जो अपना जाएगा ब्रोकरेज जाएगी, सो ब्रोकरेज देने के बाद जो थोड़ा बहुत पैसा बचेगा वो अपना आज का प्रॉफिट होगा। सो थैंक यू, गुड बाय। एंड कल कोई अगर अच्छा सा ट्रेड मिलेगा तो एग्जीक्यूट करेंगे, आप लोगों के साथ उसको शेयर करेंगे। एंड वी विल मीट अगेन।